बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने करना है इंग्लिश की रीडिंग, चैप्टर 10, द ब्लैक स्पॉट। ओके, इसके काफ़ी रीडिंग तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। अब जो रिमेनिंग चैप्टर रह गया, हम उसकी रीडिंग आज करेंगे। ओके, हमने स्टार्ट करना है दे टोल्ड मी टू गो अवे से। सेकेंड लास्ट लाइन, दे टोल्ड मी टू गो अवे, उन्होंने मुझे चले जाने का कहा। आई वेंट आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे से बाहर चला गया। बट द वॉइस बिकेम लाउडर, लेकिन आवाज़ें ऊँची होती गई। नो नो, नहीं नहीं, एंड दैट्स एन एंड ऑफ इट, और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। आई हियर द कैप्टन शाउट, मैंने कप्तान के चलाने की आवाज़ सुनी। इफ वन इज स्कोर, अगर एक पकड़ा गया, वी ऑल बी कॉट, हम सब पकड़े जाएंगे। वी विल ऑल बी कॉट, हम सब पकड़े जाएंगे। देयर वर मोर शाउट्स, मैंने मज़ीद चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। एंड देन द साउंड ऑफ द टेबल क्रैशिंग ओवर, और फिर टेबल उठा के फेंकने की, मेज़ उठा के फेंकने की आवाज़ सुनी। नेक्स्ट, उसके बाद आई हेयर द साउंड ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने तलवारों की आवाज़ें सुनी। देन ब्लैक डॉग रैन आउट, फिर ब्लैक डॉग बाहर भागा। ऑफ द इन, होटल से बाहर भागा। एंड डिसअपीयर, और गायब हो गया। फ्रॉम दिस साइड डाउन द रोड, सड़क पर से गायब हो गया, नज़र आना बंद हो गया। द कैप्टन चेज्ड हिम, कप्तान ने उसका पीछा किया। बट गिव अप, लेकिन हार मान ली। एंड रिटर्न, और वापस आ गए। कप्तान ने उसका पीछा किया लेकिन हार मान ली और वापस आ गए। ही कुड ओनली जस्ट स्टैंड ऑन हिज फीट, वो बमुश्किल अपने कदमों पर खड़े थे। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया। ही वॉज फीलिंग इल, वो बीमार लग रहे हैं या बीमार महसूस कर रहे हैं। एंड रेन टू फेच हिम समथिंग टू ड्रिंक, और मैं उनके लिए कुछ पीने को लाने के लिए भागा। देन आई हियर, फिर मैंने सुना, हिम फॉलिंग, उन्हें गिरने की आवाज़ सुनी। एंड हर्रीड बैक, और तेज़ी से वापस आया। टू फाइंड हिम ऑन फ्लोर, उन्हें ज़मीन पर पाया। माई मदर हियर द नॉइज़, मेरी माँ ने शोर की आवाज़ सुनी, मेरी वालिदा ने शोर की आवाज़ सुनी। एंड केम डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे आई। वी लिफ्टेड द कैप्टन्स फेस, कैप्टन्स हेड, हमने कप्तान का सर उठाया। हिज आइज़ वर क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी। एंड हिज फेस वॉज अ टेरेबल कलर, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा रंग था। एट दैट मोमेंट, उस वक्त डॉक्टर ल्यूसी, आई हैव टू सी माई फादर, डॉक्टर ल्यूसी मेरे वालिद को देखने आए। ही लुक्ड एट द कैप्टन, उन्होंने कप्तान की तरफ देखा। एंड सेड टू माई मदर, और मेरी वालिदे से कहा, हिज हार्ट कांट टेक मच मोर ऑफ दिस, इसका दिल इसको मज़ीद बर्दाश्त, ऐसी से मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। द कैप्टन ओपन्ड हिज आइज़, कप्तान ने अपनी आँखें खोली। एंड ट्राइड टू सिट अप, और बैठने की कोशिश की। वेयर इज़ ब्लैक डॉग, ब्लैक डॉग कहाँ है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। देयर इज़ नो ब्लैक डॉग हियर, यहाँ कोई ब्लैक डॉग नहीं है, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। गेट ऑन योर फीट, अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। एंड आई विल हेल्प यू टू योर बेड, और मैं तुम्हें तुम्हारे बिस्तर पर जाने के लिए मदद करूँगा। लेटर दैट डे, उस दिन थोड़ी देर बाद, आई टुक द कैप्टन अ ड्रिंक, मैं कप्तान के लिए पीने के लिए कुछ लेके गया। आई रीड द डॉक्टर सो से हाउ लॉन्ग आई मस्ट लाई इन माई बेड जिम, क्या डॉक्टर ने बताया कि मुझे कितने अरसे तक बेड पर बैठना होगा जिम, ही आस्क, बेड पर लेटना होगा जिम, ही आस्क, उसने सवाल किया। अ वीक, एक हफ्ता। आई टोल्ड हिम, मैंने बताया। अ वीक, एक हफ्ता। ही क्राइड, वो चिल्लाया। आई कान डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। दे विल हैव द ब्लैक स्पॉट ऑन मी बाय देन, वो मेरे पर पास तब तक ब्लैक स्पॉट ले आएंगे। दे विल कम फॉर मी, वो मेरे पीछे आएंगे। हु विल, कौन लाएगा? ब्लैक डॉग, ब्लैक डॉग, आई सेड, मैंने कहा। येस, हाँ, बट देर इज़ वर्स देन हिम, लेकिन कुछ उससे भी बुरे हैं। इट्स माई ओल्ड सी चेस्ट, दे वॉन्ट, ये मेरा समुद्री संदूक है, पुराना समुद्री संदूक है जो वो चाहते हैं। बट आई विल शो देम, लेकिन मैं उन्हें दिखा दूंगा। जिम, इफ़ आई गेट द ब्लैक स्पॉट, अगर मुझे ब्लैक स्पॉट मिला, यू गो टू दैट डॉक्टर, तुम उस डॉक्टर के पास जाना। टेल हिम टू ब्रिंग अ कवर क्राउड ऑफ लॉ के कानून, लॉ ऑफिसर्स, कानून के काम करने वाले जो अफसर होते हैं, कानून के अफसरों का ग्रो लाना। एंड लोकल जज टू द इन, और कोई लोकल जज जो यहाँ पर इंसाफ कर सके उसको होटल लेके आना। दे कैन कैच फ्लिंट स्क्रू, वो फ्लिंट्स का अमला पकड़ सकते हैं। ऑल दैट आर लेफ्ट, जो वो सब जो रह चुके हैं, एट द एडमिरल बेनबो पर ले के आना, ताकि वो फ्लिंट का अमला पकड़ सकें जो रह गए हैं। आई वॉज फ्लिंट्स फर्स्ट ऑफिसर, मैं फ्लिंट्स का पहला ऑफिसर था। एंड आई एम द ओनली वन, और मैं वो वही था हु नोज़ द प्लेस, जो उस जगह को जानता था।
ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया व्हेन ही वाज डाइंग, जब वो मर रहा था, बट डोंट कॉल द लॉ, लेकिन तब तक वो अफसरों को ना बुलाना या कानून को ना बुलाना, अनलेस दे गेव मी द ब्लैक स्पॉट, जब तक वो मुझे ब्लैक स्पॉट ना दे दें। और इफ़ यू सी द सीमैन विद वन लेग, और अगर तुम कोई मलाह देखो एक टांग वाला, ही इज़ वर्स देन एनी ऑफ देम, वो उन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। बट वट इज़ द ब्लैक स्पॉट, लेकिन ब्लैक स्पॉट क्या है कैप्टन? कैप्टन आई आस्क, मैंने पूछा। दैट्स अ मैसेज, एक पैगाम है बॉय, ये एक पैगाम है लड़के। आई टेल यू इफ़ यू गेव मी दैट, मैं तुम्हें बताऊँगा अगर तुम्हें मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें मज़ीद बताऊँगा इफ़ दे गेव मी दैट, अगर उन्होंने मुझे दिया। कीप योर आइज़ ओपन, अपनी आँखें खुली रखना जिम, हेल्प मी, मेरी मदद करो, एंड आई गिव यू हाफ ऑफ एवरीथिंग आई हैव, और मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें आधी दे दूँगा जो मेरे पास होंगी। ही टॉक्ड फॉर अ लिटल लॉन्गर, उसने तो कुछ देर बात की, एंड देन फेल इन टू अ हैवी स्लीप, और फिर गहरी नींद में सो गया, एंड आई लेफ्ट हिम, और मैं उसे छोड़कर आ गया। अ कपल ऑफ डेज लेटर, दो दिन बाद, एट अबाउट 3 o'clock, 3 o'clock के करीब, इन द आफ्टरनून, दोपहर को 3 o'clock के करीब, आई वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, मैं दरवाजे पर खड़ा था, ऑफ द इन होटल के, मैं होटल के दरवाजे पर खड़ा था, व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा, अ ब्लाइंड मैन कमिंग अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ एक अंधा आदमी आ रहा है। ही वॉज फीलिंग हिज वे विद द स्टिक, वो अपने रास्ते को अपनी छड़ी से महसूस कर रहा था। विल एनी काइंड ऑफ फ्रेंड टेल अ पुअर ब्लाइंड मैन वेयर ही इज़, क्या कोई मेहरबान दोस्त बताएगा इस बूढ़े अंधे आदमी को कि वो कहाँ है? ही सेड, उसने कहा, यू आर एट द एडमिरल बेनबोइन ब्लैक हिल कर्व, माई गुड मैन, आप एडमिरल बेनबोइन होटल के बाहर हैं, अब होटल पर हैं, ब्लैक हिल कर्व पर, माई गुड मैन, मेरे अच्छे आदमी, आई सेड, मैंने कहा। आई हियर अ यंग वॉइस, मैंने एक जवान आदमी की आवाज़ सुनी। ही सेड, उसने कहा, विल यू गिव मी योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाओगे? माई काइंड यंग फ्रेंड, मेरे मेहरबान जवान दोस्त, छोटे दोस्त, एंड टेक मी इनसाइड, और मुझे अंदर ले जाओगे? आई हेल्ड आउट माई हैंड, मैंने अपने हाथ पकड़ा, एंड द टेरेबल, और वो खौफनाक, सॉफ्ट स्पीकिंग, नन्बी से बोलने वाला, आईलेस, अंधा मैन आदमी, टुक होल्ड ऑफ इट अ डॉग बाइटिंग अ बोन, उसने मेरा, मतलब वो जो खौफनाक नरमी से बोलने वाले अंधे आदमी ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा जैसे कोई कुत्ता हड्डी को पकड़ता है। ही पुल्ड मी वायलेंटली टुवर्ड्स हिम, उसने मुझे बेरहमी से या बहुत ज़ोर से पुरतशद्दुद अंदाज में अपनी तरफ खींचा। नाउ अब बॉय, लड़के, ही सेड, उसने कहा, टेक मी टू द कैप्टन और आई विल ब्रेक योर आर्म, मुझे कप्तान के पास ले जाओ या फिर मैं तुम्हारा बाजू तोड़ दूँ। एंड आई हैड नेवर हियर्ड, और मैंने कभी नहीं सुनी थी अ वॉइस, एक ऐसी आवाज़, सो क्रूल एंड कोल्ड, और मैंने कभी ऐसी सर्द और बेरहम आवाज़ नहीं सुनी थी। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं इतना डरा हुआ था बाय द ब्लाइंड मैनस वॉइस, उस अंधे आदमी की आवाज़ वायलेंस, बाय द ब्लाइंड मैन वायलेंस, उस अंधे आदमी के तशद्दुद से मैं इस हद खौफजदा था दैट के आई ओबेड हिम विदाउट क्वेश्चन, कि मैंने उसे बगैर किसी सवाल के उसका हुक्म की पैरवी की। द कैप्टन सॉ द ब्लाइंड मैन, कप्तान ने अंधे आदमी को देखा, एंड अ लुक ऑफ फियर पास्ट क्रॉस हिज फेस, और एक खौफ का तासुर उसके चेहरे से गुजरा। सिट वेयर यू आर, बैठे रहो जहाँ तुम हो, बिल सेड द ब्लाइंड मैन, अंधे आदमी ने कहा। आई कॉन्ट सी, मैं नहीं देख सकता, बट आई कैन हियर अ फिंगर मूव, लेकिन मैं एक उंगली के हिलने की आवाज़ सुन सकता हूँ। होल्ड आउट योर राइट हैंड, अपना दायां बाजू निकालो। आई वॉच्ड हिम पुट समथिंग इन कैप्टन्स हैंड, मैंने उसे कप्तान के हाथ में कुछ पकड़ाते हुए देखा। एंड नाउ दैट्स डन, और यहाँ ये हो गया, सेट द ब्लाइंड मैन, एंड ही क्विकली वेंट आउट ऑफ द इन, अंधे आदमी ने कहा, और वो तेज़ी से होटल से बाहर चला गया। आई हियर दिस हिज स्टिक, मैंने उसकी छड़ी की टैप टैप टैपिंग अवे अलोंग द रोड, मैंने उसकी छड़ी की टप टप की आवाज़ें सड़क पर दूर जाते हुए सुनी। द कैप्टन ओपन हिज हैंड, कप्तान ने अपना हाथ खोला, एंड लुक्ड इन टू इट, और उसकी तरफ देखा। 10 o'clock, 10 o'clock, ही क्राइड, वो चिल्लाया, एंड जम्प्ड अप, और खड़ा हो गया, छलांग लगा के खड़ा हो गया। ही पुट हिज हैंड राउंड हिज नेक, उसने अपना हाथ से अपनी गर्दन के गिर्द पकड़ा। मेड अ स्ट्रेंज साउंड, एक अजीब आवाज़ निकाली, एंड फेल फेस डाउन ऑन द फ्लोर, और चेहरे के बल ज़मीन पर गिर गया, लाइफलेस, जिंदगी के बगैर। ऑन द फ्लोर
क्लोज टू द कैप्टन्स हैंड वॉज अ लिटिल राउंड पीस ऑफ पेपर. ज़मीन पर कप्तान के हाथ के पास एक कागज़ का गोल टुकड़ा पड़ा था, ब्लैकेंड ऑन वन साइड, जिसका एक हिस्सा स्याह था. आई हैड नो डाउट, मुझे कोई शक ना था दैट दिस वॉज अ ब्लैक स्पॉट, दिस वॉज द ब्लैक स्पॉट, मुझे कोई शक ना था कि ये ब्लैक स्पॉट है. ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ वॉज सम राइटिंग, कुछ लिखा हुआ था. यू हैव टिल 10 o'clock tonight, तुम्हारे पास आज रात 10 बजे तक का वक्त है. आवर ओल्ड क्लॉक, आर ओल्ड क्लॉक रिमाइंडेड मी इट वॉज नाउ 6, हमारी पुरानी घड़ी जो कमरे में लगी हुई थी उसे देख के मुझे ख्याल आया कि अब 6 तो बज ही चुके हैं. अ ब्रिज फ्रॉम द ओरिजिनल ट्रेजर लैंड बाय रॉबर्ट लियो स्टीवेंसन, ये इस बुक से लिया गया. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा, मुश्किल वर्ड्स के मतलब भी समझ आ गए होंगे. बेसिकली क्या होता है कि डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स के मीनिंग कुछ और होते हैं, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन में उसको यूज़ करते हैं तो उसको ट्रांसलेशन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स या टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.